अरे क्यों खोवे से टेम चली जा हम लकड़ी काटने आले। अच्छा। क्यों खोवे से टेम चली जा हम लकड़ी काटने आले। उतर पेड़ ते हतरा एक बार मन मेरा डाटन वाले। क्यों खोवे से टेम चली जा। अच्छा। हम लकड़ी काटने आले। क्यों खोवे से टेम चली जा तेरे मिलन की बाट बाट में गणी हान हो लई मने। कुछ जान गेरना चाहवे से न्यू हूर जान हो लई मने। ब्याह करवाले रब्या करवाले तेरे मरज की आन कान हो लई मने। शादी ही बिना पलंग हांडन की। अच्छा। हूर बाण हो लई मने। बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? पता नहीं संसार में कितने लोग मतलबी हैं। अच्छा। रोज मैं बहुतों से मिलता हूँ। ओहो। मुझे शादी बगैर ही। हाँ। अब ऐसे ही घूमने की आदत होगी। नहीं लेकिन आप शादी कर लीजिए। शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? हर क्यों का जवाब नहीं होता। अच्छा। हर चेहरा लाजवाब नहीं होता। अच्छा। यूं तो मंडराता है भवरा हर फूल पर हर कली में सवाब नहीं होता। पर इस कली में सवाब तो है। बेशक है। ये भवरी मंडरा रही है। क्या बात है। जी हाँ। कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए मुझसे। अरे कौन कड़े की रहने वाली। हाँ। कौन नगर घर ग्राम तेरा। मगध देश में रहा करूँ सो सावत्री से नाम मेरा। पिया बाण में हांडन का के सावत्री से काम तेरा। जोड़ी का भरतार मिलाना। इतना तू पहले गाए के बता दे फिर शुरू से आ जाएंगे कोई दिक्कत। अच्छा। नहीं है ना ऐसा आराम जो छुट रहा है उसको कह दो वैसे ही कह दो। ऐसा आराम भी लेंगे कही अपनी बात। क्योंकि ऐसा आराम थोड़ा सा मौसम में भी उमस है अभी बगैर एसी के जो हालत बहुत पतली हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो लाइट भगता ही एकदम भड़क दुद्यासी होगी कुछ के पर कोई बात नहीं परमात्मा ने बहुत जल्दी सुन ली है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या कौन कड़े की रहने वाली कौन नगर घर ग्राम तेरा। मगध देश में रहा करूँ सो सावत्री से नाम मेरा। पिया बाण में हांडन का सावत्री से काम तेरा। जोड़ी का भरतार मिलाना छुट गया ऐसा राम। अच्छा। जोड़ी का भरतार मिलाना
आशिक काले नाग जहर ते पदन्यारे काटने वाले मर्द का शरीर एक दिन कट जा महरम लोटे में राजपाट आनंद छोड़ के राजपाट आनंद छोड़ के फायदा दुख डोटे में गैल लाकड़ी डोलूंगी तू साथ न फेर टोटे में मेरी पतली 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 क्या बात है सावित्री एक बार ताली मार दो जोरदार सावित्री के लिए बिल्कुल सकीरा के से एक्शन दिखा दिए हैं तेरी पतली पतली कमर चरबिया जागी ज्यादा वजन भरोटे में तेरी पतली कमर चरबिया जागी ज्यादा वजन भरोटे में दुख की परवाह नहीं अपने आप गरीब पता हम अपने आप गरीब पता है किसके दुख बांटने वाले क्यों घोड़े से चली जा हम लकड़ी काटने वाले ओ भाई आप शादी के लिए जिद कर रही हैं? हाँ जी लेकिन शादी होने के बाद में आदमी बंध जाता है कैसे बंध जाता है कोई जेवड़ा गाल ले है और अच्छा जेवड़ा नहीं तखड़ा जेवड़ा घल जाता है क्यों अच्छा? क्यों क्योंकि घर गृहस्थ में आने के बाद में पता नहीं कितनी चिंताएं हो जाती हैं कैसी चिंताएं जब हम भी सच्चाई पे आ जा जब पापा पापा कहते थे तो बड़े मजे में रहते थे अच्छा और जब से पापा कहलाई है आफत गले लगाई है अच्छा जी ब्याह करवाना नहीं चाहते ब्याह करवाए ब्याह पाछे समझ ले कि आदमी फंस जाता हाँ जी पहलवान जी ब्याह करवा के कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है मजे से रह रहे हैं ऐसा पहलवान साहब आप इसकी जो बात की हामी भर रहे हो वरना सच्चाई तो यही है अगर जब स्कूल टाइम था जब तो आनंद ही और थे अच्छा शादी होने के बाद में 10 मिनट भी अगर जो लेट हो गया घर पहुंचने में तो टाइम जो बताया है उससे 10 मिनट भी लेट पहुंच हो गया तो फोन आने शुरू हो जाते हैं कि कहाँ रह गए अच्छा और जब आराम से रहते थे अपने आनंद में कोई आनंद नहीं है कुंवारपना बहुत गंदा होता है अच्छा हाँ जी ये छोटे मोटे बच्चे हैं किसी पे पजामा नहीं है किसी पे कच्छा नहीं है किसी पे चप्पल नहीं है ये भी आ जाएंगे घर गृहस्थ में फंसने में इतनी अच्छी मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं पूरे खर्चे को उठा सकूं तेरी कंडीशन में एकदम टिप टॉप बना दूंगी लकड़ी काट करके गुजारा कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है मैं हूं ना खर्चा जैसे तैसे निकल पा रहा है अभी मैं तेरा खर्चा उठूंगी तू राज घरों की रहने वाली है तू मेरा खर्चा कैसे उठ लेगी वो तो मेरे हाथ में है तुझे पता नहीं है थोड़ा सा हिसाब किताब ये देख ले कि तू वहां महलों में रह करके आई है यहाँ झोपड़ी में पता नहीं कैसा गुजारा कर भी पाएगी या नहीं क्या कहना चाहते हो आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे तू हाथ जुड़वा ले कोई अगर जो तालमेल बैठ जाए तो सरफाबाद में ही देख ले यहाँ पार नहीं पड़ने की तू पसंद है जब दिल आ गया गधी पे तो परी के चीज अच्छा हमारी संज्ञा भी स्त्रीलिंग से दी है सुनिए अरे ब्याह करा के अच्छा बस आ जा ब्याह करा के इतनी जल्दी ब्याह करा के जन्म कैद हो जीने खाड़े हुया करे ब्याह करवाए बिना गाबरू के उतलुंगाड़े हुया करे अरे घरवा से मैं कुटुंब फैल जा जबर पवाड़े हुया करे
जिस घर में बालक कबीर नहीं वो बाग के माड़े हुया करे, जिस घर में बालक कबीर नहीं वो बाग के माड़े हुया करे। खोदड़िया से इर खोदड़िया से एक जगत में राखो से आटने वाले, अरे क्यों खो गए से टेम चली जा हम लकड़ी काटने वाले, उतरे पेड़ ते तले एक गोमन मेरा डाटन वाले, क्यों खो गए से टेम चली जा हम लकड़ी काटने वाले, क्यों खो गए से टेम चली जा हम लकड़ी काटने वाले। इब मारे थे फिर रोवेगी पंजारे की ढाड़ा, इब मारे थे फिर रोवेगी पंजारे की ढाड़ा, भाई हम छतरी रजपूत जात के, हम छतरी रजपूत जात के, अरे डबरने का ढाड़ा, रोवेगी बनजारे की ढाणा। के हम छत्री रजपूत जात के ना मरने का टाड़ा, इब मारे ते फिर रोवेगी बनजारे की ढाड़ा। पहली गली के अंदर बनजारा कौन था, कहाँ का रहने वाला था, कहाँ उसका निवास था, क्या घटना उसके साथ में हुई, पहली गली के माध्यम से क्या दर्शाया। भाई एक समय का जिक्र करूं रे, एक समय का जिक्र करूं, एक लक्खी था बनजारा, 352 सर की उसके लंबा चौड़ा लारा, 352 सर की उसके लंबा चौड़ा लारा, पैसा रे के वो खर्च करे था मोटा साहूकारा, बनजारे ने एक कुत्ता पाया लगे जानते प्यारा, बनजारे ने कुत्ता पाया बनजारे की ढाड़ा। सजना बताया कि एक समय का जिक्र करूं, एक लक्खी था बनजारा, 352 सर की जिसके लंबा चौड़ा लारा, सारे के वो खर्च करे था मोटा साहूकारा, बनजारे ने कुत्ता पाला जो लगे जानते प्यारा, माथे टीका गढ़ में पट्टा बाकी का रंग काला, अरीब मारे ते फिर रोएगी बनजारे की ढाड़ा। सात लाइन हुई है रागनी की, अगर लग रही हो बिल्कुल जोश खरोश के साथ में हो रही है तो सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। सजनों उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, लाहौर शहर का रहने वाला था बनजारा। एक बीमारी आई जिसमें गांव के गांव खाली हो गए, उस गांव में एक आदमी को फूंकने के लिए जाते दूसरे की मृत्यु हुई पाती, लेकिन उस गांव में वो कुत्ता और बनजारा बच गया। अब तो कहीं भी जीने की आस नहीं दिख रही थी,
लाहौर शहर से बंजारा ने आगरे की तरफ चलने की योजना बनाई। किस तरह से बंजारा लाहौर से आगरे में आया और क्या घटना आगे बढ़ी, कैसे लाहौर शहर से बंजारे ने लाहौर शहर से बंजारे ने अपना टांडा ठाया। कई दिन हो गए चलते चलते शहर आगरे में आया रे हो। कई दिन हो गए चलते चलते शहर आगरे में आया। कई धरती फिरती छाया लोगो, धरती फिरती छाया लोगो, तोते ने घना सताया। एक लाला जी के आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया रे हो। लाला जी के आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया। 20,000 रुपए लेके, अरे 20,000 रुपए लेके दिया कुत्ता छोड़ रुखाड़ा। इस बार से फिर रोएगी बंजारे की डाड़ा। इस बार से फिर रोएगी बंजारे की डाड़ा। लाहौर शहर से आगरा तो आगे बढ़ जा रहा, लेकिन पैसा एक भी पास नहीं था। किसी ने बताया कि एक लाला है जो उधार देता है। सजनों बढ़ जा रहा लाहौर शहर से आगरा आया, आगरे में उस लाला जी के पास पहुंचा कि लाला जी मेरे साथ में ऐसी घटना हो गई, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। कि कितने रुपए? के 20,000 रुपए उधार चाहिए। लाला जी पहले हंसा कि भाई पहले मेरा एक वसूल है, पहले कुछ गिरवी रख, उसके बाद उधार दिया जाएगा। कि कैसा, क्या गिरवी धर सकता हूं मैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास एक चीज है, एक कुत्ता जो मेरा जीवन का साथी है, इस समय इसके सिवा मेरा कोई साथी नहीं है। शेर जी हंसने लगे, कहने लगे मामूली से कुत्ते के 20,000। सजनों शेर जी के मन में कोई बात आई, कुत्ते को रख लिया और उस बंजारे को 20,000 रुपए दे दिए। 6 महीने की कहकर गया था, 1 साल होगी बंजारा वापस नहीं आया। सजनों शेर जी कुत्ते ने देख रहे हो, अरे तू बेईमान, वो तेरा लक्की बंजारा बेईमान, 6 महीने की क्या कर गया था, 1 साल हो गए नहीं आया। कुत्ते की आंखों में से परल परल आंसू आने लगे। इसके घर देर है देर नहीं, वो टाइम भी आया जब उस कुत्ते को अपना जहर दिखाने का टाइम आया। एक दिन सेठ जी के घर में रात हुई, रात के समय में चोर चोरी करने के लिए घुसे और कुत्ते ने क्या जौहर दिखाया और दादा ने क्या रखा। भाई लाला जी के चोरी होगी, लाला जी के चोरी होगी, 1 साल में चोरा ने उन चोरा ने जब धन काढ़ा वा कुत्ता खड़ा गाड़े में। चोरा ने जब धन काढ़ा वा कुत्ता खड़ा गाड़े में। अरे चोरा ने धन लूट पाट के, चोरा ने धन लूट पाट के तापिया एक ताल में। सुबह उठा जब पता लगी वो कुत्ता लाया माल ने। सुबह उठा जब पता लगी कुत्ता लाया माल ने। भाई लाला जी तेरा जी हो गया, लाला जी तेरा जी हो गया, तेरा कुत्ता छोड़ रुखाड़ा।
भाई बलराम बैसला की इस फरमाइशी रागनी पर हमारे परम आदरणीय श्री धर्मपाल पहलवान जी 500 रुपए देकर के भाई बलराम बैसला को पुरस्कारित करते हैं। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अशोक यादव जी वो भी 100 रुपए देकर के भाई का हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगली कली के माध्यम से सजनों, जब कुत्ता माल को निकाल के आ जाता है, आगे का हवाला अगली कली के माध्यम से भाई बलराम बैसला द्वारा। कैसे सजनों बताया, शेर जी के घर में चोर चोरी करने के लिए घुस गए, कुत्ता गाल में बैठा भौंका नहीं क्योंकि समझदार था। अब जैसे ही चोरों ने चोरी करी और उस धन को लेकर के एक तालाब में डुबो दिया कि अब किसी दिन फिर जब बात दब जाएगी तो इस धन को निकाल करके ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही सेठ जी उठे, उठते ही कुत्ते की तरफ नजर गई, अपनी तिजोरी खाली देखी, फिर से वही बात कह दी, रहा तू बेईमान, वो तेरा लक्की बन जा रहा बेईमान, कब की कहकर गया था आज तक नहीं आया, और तूने भी वैसा ही काम कर दिया, अगर रात तू भौंक जाता तो मैं चोरों को मार मार के भगा देता। सजनों इतनी बात सुनी, कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए, सेठ जी की धोती पकड़ी और उस तालाब के किनारे ले गया जहां पर उन चोरों ने सारे धन को छुपा करके रखा था। सेठ जी धन पाकर बड़ा खुश हुआ, रे तेरा लक्की बंजारा ठीक कहे था, तेरे तो 20 लाख भी थोड़े हैं। कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी कि जा तू अपने लक्की बंजारे को ढूंढ ले, मेरी तरफ से तू आजाद है, और लिख दिया लक्की बंजारे मेरे तो आए होगे, तुझे और चाहिए तो और ले जा। तेरे कुत्ते ने वो काम कर दिया सजनों, वो कुत्ता अपने मालिक को ढूंढता ढूंढता अपने मालिक के पास पहुंचा। जैसे ही लक्की बंजारे के पास पहुंचा वो काली मान गया, कहने लगा अरे मेरे पे पैसे नहीं बने थे, मेरी मजबूरी थी, तू फिर भी आ गया धोखा दे करके। देसी कट्टा रखता था, कुत्ते में लिकाड़ के गोली मार दी, और जब चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में क्या लिखा था, दादा ने लास्ट कली में तोड़ कर दिया। कैसे भाई अपना फर्ज निभा के कुत्ता, अपना फर्ज निभा के कुत्ता वहां ते चलिया बेचारा, 5-7 10 कोस गया जब वहां मिला बनजारा, 5-7 10 कोस गया जब वहां मिला बनजारा, और बनजारे नहीं जानवा कुत्ता जीते मारा, गल में बंधी चिट्ठी देखी हाथ फिर पुचकारा, गल में बंधी चिट्ठी देखी हाथ फिर पुचकारा, चिट्ठी में लिखा हुआ था लक्की बंजारे मेरे आए होगे, तने और चाहिए तो और ले जा। उस दिन ये कहावत बनी, इस तरह मत पछताना, जैसे वो लक्की बंजारा कुत्ते ने मार कर होया था पहले, उसकी वो देख लेनी चाहिए कि क्या काम हुए करके आया, क्या लादा ने लिखा। अरे चिट्ठी पढ़ के रोवण लगा, चिट्ठी पढ़ के रोवण लगा, लखनऊ चल जाती वाला साबंस मौज उड़ाई जा रही है बार बार, हाँ दी दो तन्ने। सुन हाँ। अरे किस पे मौज उड़ारी मासी, अपना मन समझा ले तू, वो किस पे मौज उड़ारी मासी, अपना मन समझा ले तू, समझा ले तू, किस ते मौज
अपना मन समझा ले तू। मौसी मौसी हाँ, तुझे इस तरह की बात कर रही है हाँ? इन बातों में जो मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है हाँ? ऐसा अनर्थ मत ना करे, क्योंकि के आनंद में आनंद से जब नाग इश्क का डसरिया से क्यों इश्क नाग ने भड़कावे थारा धर्म का दीपक चसरिया से क्यों इश्क नाग ने भड़कावे थारे धर्म का दीपक चसरिया से अजमा ले तू ओ किस्ते मोर उड़ारी मासी मन समझा ले तू। समझ लिए बंदूक धर्म की करू पाप की टूक दिखे समझ लिए बंदूक धर्म की करू पाप के टूक दिखे इसमें कुरसा पाप भला जब मिटे किसे की भूख दिखे तेरी भूख मिटा दे मेरा पिता तने क्यों कर राखी चूक दिखे तेरी भूख मिटा दे मेरा पिता तने क्यों कर राखी चूक दिखे मौसी तुझे शर्म नहीं आ रही, तू अपने पति के लिए इस तरह की बात कह रही है? अरे बुड्ढा होलिया घूसट की क्या शर्म आएगी? बुड्ढा होलिया तो तूने ब्याह क्यों करा था फिर पिताजी से? मन्ने बेरा नहीं था, तेरी फोटो दिखाई थी। अच्छा हाँ। मेरी फोटो दिखाई तुझे? हाँ। झूठी, ऐसे पाप में मत ना घेरे मुझे। देख पूरणमल हाँ, जब सामने गुड़ पड़ा हो तो उसने खा लेना चाहिए। ना ना मौसी ऐसा नहीं है ना, तब मक्खियां भी बिनाले लग जाती उस पे। मौसी ऐसा ठीक नहीं है। ऐसा ही ठीक है। और गुड़ खा के भी क्या जिंदा रह जाएगा जब भी तो मरेगा? ना 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 ज्यादा नहीं खाना चाहिए फिर। बताऊंगा। देखिए पूरणमल हाँ, ये धर्म क्या चीज है मुझे तो समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई ना? धर्म नहीं समझ में आया? ना ना ना, धर्म की परिभाषा ही नहीं जानती। आई डोंट नो। ओहो, जान जाओगी समझाऊंगा। समझाइए। जवानी में दीवानी होके कर रही कर्तव्य हानि का। तू जवानी में दीवानी होके कर रही कर्तव्य हानि का। रखे हानि के लाभ बावले लूट मजा जिंदगानी का। यो जिंदगानी नर है सदा जा फूट बुला जा फूट। देख एक मिनट फूट जाएगा बुलबुला सा। फूट जान दे फिर। फूट जाएगा मौसी, इसलिए समझा रहा हूँ तुझे। क्या? इसलिए बार बार समझा रहा हूँ तुझे, बुलबुला सा ये जवानी का जो आज दिखाई दे रही है आज से कल की कथा। तुम कहना क्या चाहते हो? फिर क्या कहे? अब बताऊंगा। अरे के हाड़ी के ला
जो सदा जिंदगी जिंदगी सदा नहीं रहनी जा फूट बुलबुला पानी का यो जिंदगी सदा नहीं रहनी जा फूट बुलबुला पानी का अच्छा यहाँ तक बात पहुँचा रही है बिल्कुल मेरी बात सुन सुना तेरा बाग सींच दे मेरा पिता माली कह के बुलवा ले तू तेरा बाग सींच दे मेरा पिता माली कह के बुलवा ले तू ला 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 यो तेरा बाप बना देख बीच में बैठा मोटा सा हाँ इसने मेरी गैल भारी जुलम कर रखा है अच्छा हाँ तुझे पता ही नहीं अभी पिताजी के बारे में मैं क्या क्या जुलम कर रखा मुझे भी बता आराम भी आराम तो पूरा पूछ लूंगा मौसी कोई बात नहीं हाँ कितना शाना है देख सुबह भैया डर हो रहा पैर में झटका ना लग जा आराम से पैर सीधा ही कर लो पर मुझे भी ऐसा जो थोड़ा सा तेने तो तोड़वाई है मौसी टांग मैंने ना हाँ, क्या कह रही पिताजी के बारे में इसने मेरी गैल भारी जुलम कर रखा है तो वो जुलम बताने का थोड़ी है ये तेरी और उसकी बात है पिताजी की बता दूंगी तुझे तो वो कहा जुलम हो गया ना मुझे खाने को देता ओहो देख खुद का तो पेट निकल रहा जैसे 6 महीने का बालक ले रहे हो अच्छा हाँ और क्या चाहिए ना पीने को देता पानी अच्छा हाँ सूखी मार रखी है पानी मिला प्यारा ना कपड़े देता पहनने को अच्छा ना सोने को बिस्तर देता कपड़े भी सो पहनने को ना दे रहा ना सोने को बिस्तर भी नहीं ना खुरेड़े में ही पड़ी है ना ना ये तो ये दे जा अच्छा इधर वाले ओहो हाँ। इधर वाले में तुझे लग रहा कुछ रंग सा थोड़ा बहुत अच्छा थोड़ा बहुत हाँ। अच्छा जी देख पूरनमल मौसी ऐसा मत ना सोच पिताजी के बारे में ऐसे शब्द मत ना कह ऐसे शब्द मत ना कह क्यों पिताजी की भीम जैसी काया का काया ही भीम जैसी है बाकी तो सब कुछ खत्म है ना ऐसा ना खाली निकालो सी पड़ो अभी मिली ना तू पिताजी से नहीं अच्छा, तो बता देंगे तुझे सुन ले मेरी बात अच्छा जी हाँ। इतना जुलम होगा इतना भारी कैसे बस पूछ मत बता एरा तेरा पिता ने जुलम करया पूरन मल मेरी गैल में बता कौन सा जुलम करया बोसी रह दासी तेरी टहल में तेरा कौन सा जुलम हजारो दासी रहती तेरी टहल में मुझ पे टहल करवाना चाह रही है और क्या? तो मौसी मैं तेरे चरण दबा दूंगा चल मेरी गैल ये ऐसा ना पकड़ ऐसा केबिल ना पकड़ आ जा ना अंदर कौन से कमरे में ले जा वो तो खोपचे में ले जाऊं तुझे ना ऐसा नहीं यही खोम अगर अगर इतनी बात उसने कह देती ना इन ले जाता मेरा नू उठा के ले जाता पल्लेदार बोरी ने लेके जाया करे ये तो ऐसे ही ले जाता हाँ। पर वो भी वो ऐसे ले जाएगा जैसे हाथ में यू समझ लगे जो अच्छा से भी उठा लिया हो एरा तू कर दे मेरी टहल सासरे आई पहल पहल में बेटा कह के चरण पूजा ले हाजिर खड़ा महल में ना 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 बेटा कह के चरण पूजा ले हाजिर खड़ा महल में एरा महल छोड़ रंग महल में आके महल ना छोड़ दे अच्छा ना ना छोड़ू महल छोड़ रंग महल में आके हंस छाती के हल्ले ब्रह्मचारी की बात मान बस राधे राधे गा ले तू गुरु ब्रह्मचारी की बात मान बस राधे राधे गा ले तू पूरन मलिया मेरी
समझा ले तू किसते मौज उड़ारी मौसी अपना मन समझा ले तू। बतला दो ये भेद क्या खेत है कैसा ये अर्जुन को भारी मरूंगा पीछे ने हटा दिया करण तीन कदम तीन लो पीछे ने हटा दिया करण हो पान मारे भरी के जोसरे हेरे जोसरे पान मारे भरी के जोस होश नहीं धरण तलक बस खा महाराज। हाँ अर्जुन, आप बार बार इस एक कर्ण की प्रशंसा किए जा रहे हैं। एक कर्ण ने तेरे रथ को तीन कदम की जगह ये समझ ले तीनों लोकों के अंदर हमारा भी मान भी घटा दिया है। तीन कदम पीछे हट जाने का मतलब तीन लोग पीछे पहुंचा दिए। आप तीन कदम रथ पीछे हटते ही तीनों लोगों का जिक्र कर रहे हैं। हाँ ये तो एक कर्ण है जी। ऐसे ऐसे अगर जो सौ कर्ण भी होते तो सौ करोड़ों को भी सर को थड़ से अलग करने की क्षमता रखता है ये कुंती पुत्र अर्जुन। पहलवान साहब एक बार ताली बजा दो अर्जुन के लिए। ये कह रहा है ये तो एक करण है, अगर ऐसे सौ करण भी अर्जुन के सामने होते तो सौ करणों के सर को भी धड़ से अलग कर देता अर्जुन। सौ करणों से लड़ने की तो बात बहुत दूर, एक करण के एक बाण का मुकाबला कर पाना तेरे लिए संभव हो रहा है और तू जानना चाहता है तो विस्तार पूर्वक कब के समझाऊंगा तुझे कि है। ना मैं थोड़ा सा वोट कर रहा हूं, ये मेरे पास में जो इसमें एक में पांच बाण है तो मैं इसको थोड़ा सा रोक रहा हूं इधर उधर से करण का बाण ना आ लगे। तू डर मत मान, मैंने पीछे से तेरी डोली के साथ में न्यूकू क्योंकि मेरा एक पैर जो है ना जो जिस पे उछाल करके वेट डालना था वही थोड़ा सा कमजोरी में है। कोई बात ना, तू तो इसलिए मैं हाँ मैं इसलिए इससे सहारा दे रहा था। सहारा ये को देना हो तो इधर को देना चाहिए। नहीं इधर से पंप सा भर रहा था मैं भी। बाण इधर को उधर से चलेंगे या इधर से? इधर से बचाना भी तो पड़ेगा। अच्छा हाँ, बाणों को तो रोकने का हिसाब किताब इधर से है, आप तो पीछे से जो गड़बड़ कर रहे हो महाराज। ना ना ना, तेरा मुंह उधर की तरफ था ना। अच्छा पीछे से बाण अलग है, सुन ले। हाँ आदरणीय राधे पंडित जी, जी हाँ इस रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। आदरणीय रवि नेताजी सरफाबाद जिनकी तरफ से 100 रुपए देकर के फिर सम्मान किया गया है। बीच में भूल गए थे पैसा देने हाँ, लेकिन अब जो महाभारत की और असली जोशीली रागनी आई है मन की मूंड की सी
तो फिर आने शुरू हो गए। एक बार ताली बजा करके अपना आशीर्वाद दे दे। अभी बताया श्री कृष्ण जी महाराज ने कि तू 100 कर्णों से लड़ने की बात कर रहा था, तो देख हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया, शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, 3 लोक मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। बताते हैं अर्जुन, हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं, शेष नाग रथ के पहियों को युद्ध भूमि के अंदर जमीन में जकड़े हुए हैं और मुख खोल करके दिखा दिया कि देख 3 लोक पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है, मेरी माया से संसार रचा है, यह त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है और फिर भी कर्ण के बाणों ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। तो सोच कि अगर हनुमान जी ने, शेष नाग ने और स्वयं श्री कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और कर्ण ने अपना बाण उसी वेग से तेरे ऊपर चला दिया तो फिर तेरी क्या दशा होगी, तू समझ सकता है। आदरणीय भाई साहब जयवीर यादव जी सरफाबाद से, जिनका बहुत प्यार आशीर्वाद इस क्षेत्र में दूर दूर तक मिलता रहा है, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय नीरज यादव जी, वह दूसरा नाम क्या बताया जी, हरवंश रघुवंश, हाँ नीरज जी और रघुवंश जी, उनकी तरफ से 200-200 रुपए देकर के सम्मान इस रागनी पर किया जा रहा है। आदरणीय परम आदरणीय सुबे यादव जी, जिनका बहुत प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, 2500 रुपए पहले और 100 रुपए फिर देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए अंतिम कली के माध्यम से आगे क्या बात बनती है भला। आगे समझ में आवर अर्जुन, आपने सच्चाई को विस्तार से बता करके मेरी आंखों पर जो अहंकार रूपी पट्टी थी उसको खोल दिया है। अच्छा, वाकई कर्ण बहादुर से और दूर दूर तक नामी जी, मच्छर के सामान लगे ये पांडव इसके सामने, पता लगी कि कर्ण कितना बड़ा योद्धा है। वाकई कर्ण योद्धा है, इस बात को मैं आपकी को मानता हूँ। अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे जीत का मार्ग मिले और इस कर्ण से मेरे प्राणों की रक्षा हो। प्राणों की रक्षा चाहते हैं अर्जुन और जीत का मार्ग जानना चाहते हैं श्री कृष्ण जी से जी। तो श्री कृष्ण जी जीत का मार्ग भी बताते हैं और प्राणों की रक्षा में स्वयं बैठे भी हैं। क्या बताते हैं अंतिम कली में सुनिए। अंधेरा जादू रे प्रभु जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु भूलू ना एहसान जान मेरी करण से बचा दे प्रभु भूलू ना एहसान जान मेरी करण से बचा दो प्रभु। अरे जीतियो हो लेकिन मत वनवास राम को दिलवा में मर जानी रहो, लेकिन मत वनवास राम को दिलवा में मर जानी, मत
उस दुख ने मैं ही जानू जो के कई रोज भरूं तार हां उस दुख ने मैं ही जानू जो के कई रोज भरूं तार ओ प्रजा बुरा बंदा मैं की जब मन में आप डरूंगा कौशल्या का रुथन देख कहा टक्कर मार मारूं तार हां कौशल्या का रुथन देख कहा टक्कर मार मारूं काफी नाम पुरस्कार पहले दिया है आदरणीय बाबूजी अजब सिंह जी 200 रुपए का सम्मान उन्होंने दिया है हम उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं और 100 रुपए हमारे आदरणीय अमरपाल जी हमारे आदरणीय अमरपाल जी उनकी तरफ से भी अमरपाल पहलवान जी 100 रुपए दिए गए हम पहलवान जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे आदरणीय गुरु जी मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी के बहुत अच्छे जो मित्र हैं उनकी तरफ से 100 रुपए दिए गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए पटक पटक सर नागा मल्ले जिसकी मणि बिछड़ जा रहे हो पटक पटक सर नागा मल्ले जिसकी मणि बिछड़ जा ए सीता का लक्ष्मण रोवे सारा काम बिगड़ जा कौन से मुंह से कह दूंगा इस घर से राम निकड़ जा रहे हो कौन से मुंह से कह दूंगा इस घर से राम निकड़ जा अरे तेरा भी नखरा झड़ जा रे ओ तेरा भी नखरा झड़ जा रे तेरा भी नखरा झड़ जा खड़ी खड़ी चादर शानी ये छोटा बच्चा भी माधव माधव जी ये भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा करके गए हैं हम यही काम ना करेंगे परमपिता परमात्मा से वृंदावन बिहारी लाल से कि उनको बहुत लंबी आयु दे बहुत अच्छे संस्कार दे अभी बताया कि बिन पानी के मीन मरे और चिंता में मन पड़ जा पटक पटक सर नागा मरले जिसकी मणि बिछड़ जा कदा सीता कदा लक्ष्मण रोवे सारा काम बिगड़ जा और मैं कौन से मुंह से कह दूंगा इस घर से राम निकल जा तेरा भी नखरा झड़ जा घनी बनरी चातर सियानी लेकिन मत वनवास राम को दिलवावे मर जा हे के कई वो तो तुझको कौशल्या से भी ज्यादा मानता है जिस राम को तू वनवास दिला रही है वो तो राज का अधिकारी है उस भगवान से डर हमारे आदरणीय शेरपाल जी उनकी तरफ से भी इस रागिणी पर खुश होकर के 100 रुपए दिए हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चलिए
चलिए। आज कहे कल रोवेगी चरणों का दास चला जा रहा। आज कहे कल रोवेगी चरणों का दास चला जा। अरे तेरे नाम से नफरत हो जा पर इतिहास चला जा। जिस घर में हो तेरे मेरे उस घर का नाश चला जा रहो। जिस घर में हो तेरे मेरे उस घर का नाश चला जा। ओ सब रंग रास चला जा सारा सब रंग रास चला जा से जहां का हो बेटे खानी। लेकिन मन बनवास राम को दिलवा में मर जानी रहो। लेकिन मत बनवास राम को दिलवा में मर जानी। और इस रागिणी पर खुश होकर के 500 रुपए हमारे परम आदरणीय सुंदर यादव नेताजी उनकी तरफ से 500 रुपए दिए गए। हम आदरणीय सुंदर यादव नेताजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रोता है नर से बड़ा बलवान समय होता है। समय का कोई पता नहीं। जिस समय जिस घड़ी जिस क्षण रामचंद्र को राज तिलक होना था उसी क्षण उसी घड़ी साथियों 14 साल का वनवास हो गया। आज इंसान एक मकान भी बनाता है तो 100 साल की नींव रखता है। उसमें पता नहीं कि उसके बेटे या पोते रहे या ना रहे। समय की कोई पता नहीं हुआ करती। एक क्षण भर में इंसान पता नहीं लाख से कहां खाक में मिल जाए। तीन कलियों पर ध्यान दिया हो ना दिया हो कोई बात नहीं। अंतिम कली आपके बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तीन कली सुनाइए। मैं रागनी अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के लिए आपके द्वारा हो जाए। अंतिम कली के द्वारा कैसे कैसे शब्द पिरोए हैं कवि ने क्या बताया भला। राजमहल का सोवनिया कैसे जंगल में सोवेगा। राजमहल का सोवनिया कैसे जंगल में सोवेगा। तेरा हंसना बुरा लगे जब सब गुण पारोवेगा। गुरु शरण दास के चरण जय करण मल मल के धोएगा। शरणदास के चरण जय करण मल मल के धोएगा। ये तो होवेगा वो तरज सभा में। वो तो होवेगा वो तरज सभा में। तो होवेगा वो तरज सभा में जो सबको लगे सुहानी। लेकिन मतलब वास राम को राज भरत को दे दुकारा
की महल हवेली राजा साहिर मैदान में अच्छे नौजवान हुए तुम सुसरे आइए इधर चलिए मेरे दोस्त और 2100 रुपए चौधरी साहब हरियाणा से हर प्रोग्राम में आकर के जो कि अमरपाल के दोस्त हैं और मेरे बुजुर्ग इस देश के महान पहलवान श्री मलखान जी के शिष्य हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। जयवीर भाटी से अनुरोध कर रहा हूं कि जो मेरे 500 रुपए आ रहे हैं वो 100 रुपए बोले जा रहे हैं, उन सबको 500 में कन्वर्ट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे राम नाम के जाप बिना तेरी कैसे शुद्ध मति होगी, मति के हीने मानस की फिर रे कैसे परम गति होगी, कैसे परम गति होगी। और बहनों योग बिना कैसे औरत शील सती होगी, सती रति शंकर की गल्या वो चेतन पार्वती होगी, हो चेतन पार्वती होगी। सत्संग बिना ज्ञान सागर हो, भाई सत्संग बिना ज्ञान सागर मीठे अल्फाज धरे अमरपाल भाई। श्यामलाल कहां बैठे हैं? श्यामलाल जी हाथ उठा दे एक बार के दर बैठे।
नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कुछ कि यहां पर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं भाई, ईमानदारी से हाथ ऊपर कर दें, एक जो प्रॉपर्टी डीलर है ईमानदारी से हैं, कई पर बच रहे हैं, कोई बात नहीं है। प्रॉपर्टी डीलरों का हाल बता रहा हूं तीसरी कली में। चलिए किसको ठगने चला यार तू, खुद माया ने ठगया हुआ, खुद माया ने ठगया हुआ। तेरा गात कहीं और ध्यान कहीं, आधे लोगों का शरीर तो यही है अमरपाल भाई, आधे लोगों का शरीर तो यही है पर ध्यान मनु तवर पह कद मनु तवर गावर का भमो छुले। तेरा ध्यान कहीं और गात कहीं, तू फिर भी कहवे मैं जग्या हुआ, और लाइन अच्छी लगे तो ताली। अरे किसको माया जोड़ रहा बता, कौन किसी का सजा हुआ, कौन किसी का सजा हुआ। धोखा करने वाले जग में हो, वही धोखा करने वाले जग में वे धोखे बाज दोस्तों। आखिरी कली है, इसके बाद मुझे जाना है। मैं अपने सभी दोस्तों से माफी चाहूंगा। मस्तराम जी, जहां मस्तराम यादव बैठे हों स्टेज पर आ जाएं, वो बहुत बड़े कलाकार हैं कालू और मस्तराम। चाचा जयवीर पहलवान बमेटे से 1100 रुपये दे रहे हैं। मैं पहलवान साहब आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके बड़े भाई जगदीश पहलवान इस दुनिया के बहुत बड़े पहलवान थे, और आपने उनको जिस तरह से पूरे देश में आगे बढ़ाने का कार्य किया, छोटे भाई भी सकते होते हुए मैं ऋणी हूं और आभारी हूं आपका। आखिरी कली किस तरह से आइए मसलम भाई। दिन में चार चार बार प्रेस करवाते हैं पहलवान साहब, जो दिन में हजारों हजारों दंड मारते हैं कि मैं पड़ोसी को देख लूंगा, मैं पूरे गांव को देख लूंगा, मैं पूरे हिंदुस्तान को देख लूंगा, उस नौजवान से कहना चाहता हूं आखिरी कली के माध्यम से, किस तरह से चमक दमक रह जा। मनु कितने क्रीम पाउडर लगा ले बेटे, पर खरी बात कह के जाऊ मत। बहनों तुम भी सुन लो ध्यान से, जो दो दो घंटा के आगे दो दो घंटा तक शीशे के आगे खराब करती हो और सासू काम कर रही हो तो उसे दड़ा कह देती हो, अगर रुक जा मम्मी अभी मेकअप कर रही हूं मैं थोड़ा सा, सुन लो। चलिए भाई, ए,
तुझे बचावेगा। लाइन अच्छी लगे तो ताली। अरे दो हड्डी भाई दो हड्डी तेरी मिले राख में उन गंगा बीच।